नमस्कार दोस्तों, मैं ममता बोकारो गार्डन से आपके सामने ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम होया हार्ट, स्वीट हार्ट, वैलेंटाइन प्लांट एक्सेट्रा कहा जाता है। ऐसे इसके काफ़ी सारी प्रजातियां हैं और डिफरेंट कलर्स में ये मिलता है। अभी आपको जो प्लांट दिख रहा है आप इसको देख के समझ सकते हैं और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपके लोग, आपके जो नियर एंड डियर्स हैं कितना इसको पसंद करेंगे और उनको कितना अच्छा लगेगा जब आप इसको गिफ्ट करेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको कैसे लगाएंगे और कैसे इस पे काम करेंगे। ये थोड़ा पानी कम पसंद करता है, इसमें पानी कम चाहिए, इसलिए हम ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमने देखिए स्टोन पे के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, कुछ बालू के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे उसमें जो बड़े टुकड़े होते हैं वो रखा है हमने। और इसको नीचे आप देख सकते हैं इसमें छेद बना हुआ है ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो सके। इस प्लांट को आप ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर करेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह से लगा पाएंगे। ये एक पेरिनियल प्लांट है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पेरिनियल प्लांट वो प्लांट होगा जो डिफरेंट बार आप उसको, जैसे ईख के केस में होता है गन्ना, उसमें कटिंग्स आप लेते हैं उसके बाद अगली बार फिर से वो बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर अगले साल आप, तो दैट इज द पेरिनियल प्लांट व्हाट यू नो। आफ्टर दैट हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम कोकोपिट पैरालाइट 2:1 के रेशियो में डालते हैं। कोकोपिट और पैरालाइट 2:1 के रेशियो में डालते हैं और हमने इसमें देखिए मिट्टी और काउडंग इसमें रखा है जिसको मिला करके आप इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें कि आप इसको प्लांट कर सकें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये लाइट बहुत पसंद नहीं करता है, इसको सनलाइट में नहीं रखिए, घर के अंदर भी रखिए तो उत्तर दिशा को ये पसंद करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि फर्टिलाइजर स्प्रिंग एंड समर में इसको चाहिए। और इसके साथ साथ आप एक बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये प्लांट बहुत ही डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड प्लांट है, जितना इसका आप ध्यान रखेंगे उतना ये आपको खुशियां और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। क्योंकि इसको लकी प्लांट, लकी बैम्बू की तरह ही लोग ट्रीट करते हैं, निगेटिविटी घर से दूर भगाता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। अब हम इसको, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये गमला मैंने लिया है और कोकोपीट और इसको जो बताया था आपको मैंने, कोकोपीट और पैरालाइट मैंने मिला करके रख लिया है। ये पत्थर जो है इसके प्रॉपर एरेशन के लिए हम नीचे डाल रहे हैं। ये छोटे छोटे कण हैं देख रहे हैं आप, इसके बाद अब इसको डाल देंगे पैरालाइट और कोकोपीट का जो मिक्सचर बना के हमने रखा है। इस बात का हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें पानी कम लेता है ये पौधा, सकुलेंट प्लांट है, इसके जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं तो ये पानी इसके अंदर ही ये स्टोर कर लेता है, तो इसलिए इसको कम पानी देना है। बट अभी जो हम लगाएंगे इसको तो हम इसको पूरी तरह से पानी देंगे और इंडोर प्लांट है, इसको अंदर में रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसके साथ एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट प्लांट है, हम किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने बेटर हाफ को, अपने पेरेंट्स को, जिनको भी हम प्यार करते हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसी का हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, उसको हम किस तरह से खुश कर सकते हैं और इस पौधे को तो देख कर के ही खुशी होती है। तो आप अब हम इसको लगाएंगे और लगाने के लिए मैंने इसको निकाल के पहले से रख लिया है, आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट है। पूरा यहाँ तक भर देंगे ताकि इसके रूट्स जो हैं वो कवर्ड हो जाएं। रूट्स आपने देखा ये क्या करता है, इसके रूट्स जो हैं इतने एरिया में ही आप देख रहे होंगे, ये बहुत कंसंट्रेटेड जरा सी जगह में हो जाता है। इसको बार बार पॉट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा फैलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इसकी स्टेम कटिंग एयर लेयरिंग के थ्रू इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। सीड से भी आप लगा सकते हैं बट दिक्कत यह है कि बहुत बहुत टाइम लेता है, तो हम कोशिश करेंगे कि और इसके जो वाइन्स हैं उसको आप जिस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं उस तरह से अगर आपको वो वैरायटी आपको मिलती है तो आप उसको प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपको और वो खूबसूरत लगे देखने में। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही फ्रैग्रेंट होते हैं, ये गंधराज की खुशबू को आप भूल जाएंगे जब इसके फ्लावर्स आएंगे, बट वो टाइम लेते हैं, 1 साल 2 साल। जब ये फ्लावर प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा तभी उसमें फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स का केयर खुशबू के अंदाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच केयर इट नीड्स। फ्रेंड्स अब इसमें हम धीरे धीरे स्लोली पानी डालेंगे साइड से ताकि ये प्लांट के नीचे तक और पूरा भर देंगे पानी। अच्छी तरह से हम इसमें पानी डालेंगे। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है फ्रेंड्स, और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और हम गिफ्ट करने के लिए इसको सेवरल फ्रेंड्स मुझे तो वैलेंटाइंस डे के आसपास आपको बताना चाहिए था बट सॉरी फॉर दैट, ये मैं नहीं कर पाई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए अब इसमें चूंकि हमने एरेशन किया था तो ये पानी निकल के बाहर आने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना पानी भी नहीं डालना है, बस इतना ही रखना है कि ये प्रॉपरली अपना पानी सोख ले जितना चाहिए इसको। और अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका नाम थॉमस होय एक गार्डनर थे उनके नाम पे पड़ा था, इसलिए इसको होया प्लांट या स्वीट हार्ट प्लांट या आप इसको डिफरेंट नेम्स से पुकार सकते हैं, वैलेंटाइंस प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम फ्रेंड्स होया कैरी है। तो अगर कहीं पे भी आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप होया कैरी के बारे में साइंटिफिक ये में विकिपीडिया ये सब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर अभी विदा ले रही हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि विदा ले रही हूँ, मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। ममता साइन।